अल्लाह यस कैसे हम सब उम्मीद है आप सब है जिससे होंगे वेलकम बैक टू अनदा व्लाग तो आज का व्लाग मैं स्टार्ट करी वहीं से जहाँ पे मैंने लास्ट व्लाग एंड किया था तो ये यहाँ पे हम लोग आए थे आ, अपना मार्ट के ब्रांच वन में यहाँ पे हमारा चक्कर लगा था गारमेंट्स कुछ बच्चों के कपड़े शपड़े लेने थे गारमेंट सेक्शन को विज़िट करना था तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया ये उनके डिस्काउंट स्टोर का था तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ना इस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको अच्छे से विज़िट करती हूँ वरना डिस्काउंट स्टोर ना हमेशा मेरा फेवरेट रहता है मैं कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ से बाय करती हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं और बच्चे साथ थे तो उनको भी देखना था तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है तो गारमेंट्स मैंने लिए हैं बच्चों के कपड़े शपड़े लिए हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि जो मैंने यहाँ से परचेज़ किए थे तो इसके बाद फिर हम आ गए थे घर में और घर में आके मैं बनाई थी यहाँ पे बीफ चिली विद ग्रेवी और बहुत ईजी सी ही रेसिपी है अच्छा बेसिकली जब जबकि मैं घर से बाहर जाऊँ तो अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो मैं कुछ लाइट सा बना लेती हूँ लेकिन अब हुआ क्या आज के मैं यहाँ पे थॉक कर चुकी थी मतलब जो डीप कर चुकी थी मैं गोश्त को बीफ को तो इसलिए मुझे उसको बनाना ही था तो फिर वापस आके मैंने पहले फटाफट फट से बीफ को गला लिया थोड़ा सा नमक डाल के तो ये मेरे पास तो आलमोस्ट टू फिफ्टी ग्राम्स के करीब बीफ होगा और ये जब फ्रोजन फॉर्म में था ना तो मैंने इसको इस तरह से स्ट्राइप्स में कट कर लिया था फ्रोजन फॉर्म में बड़े अच्छे से कट जाता है और बस मैंने इसको बॉईल कर लिया यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑयल में जब अच्छा सा उसका खुशबू आनी शुरू हो गई थी तो उसमें मैंने बीफ डाल दिया बॉईल किया हुआ और उसमें मैंने नमक डाला है एक चम्मच और वन फोर्थ टेबल स्पून आप कह सकते हैं कि इसमें मैंने क्रश ब्लैक पेपर डाली है और अब आपने इसको इसके साथ भून लेना है अब मैं क्योंकि बीफ ले रही हूँ तो बीफ को मैंने पहले गला लिया है और आप इस पॉइंट पे भी इसको गला सकते हैं लेकिन आप पहले अगर गलावा डालेंगे एक तो आपका काम आसान हो जाएगा दूसरा यहाँ पे बड़ा फ्लेवरफुल सा आपका बीफ बनेगा तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको भून लिया है जब तक ये दोबारा से ड्राई नहीं हो जाता और अब आप देख सकते हैं कि बीफ ने अच्छे से अपना ऑयल दोबारा से छोड़ दिया हुआ है तो यहाँ पर मैंने डाल दी है जी शिमला मिर्च मैंने ऑलमोस्ट टू शिमला मिर्च कट की हुई थी इस तरह से और एक मैंने इसमें इस डाल दी मीडियम साइज़ का प्याज उसके मैंने क्यूब्स काटे हुए थे अब इन वेजिटेबल्स के साथ ना अपने अच्छे से इसको सोते कर लेना है वेजिटेबल्स को भी और आलमोस्ट आपने इसको दो से तीन मिनट के लिए पकाना है बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना क्योंकि ये शिमला मिर्च है ना वो एकदम से बैठ जाती है जब ये ज़्यादा से पक जाती है तो बस यहाँ पे मैं आ, जो प्याज है उसके भी सारे स्लाइसेस को थोड़ा सा आ, अलग अलग करती रहूँगी साथ साथ और टू मिनट्स के लिए आलमोस्ट मैं इसको स्टर फ्राई कर लूँगी साथ ही इसके तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप इसी पॉइंट पे इसको कर सकते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा ये हो चुका है स्टर फ्राई और उसके बाद मैंने जो बीफ बॉईल किया था उसकी मैंने यखनी भी रखी हुई है तो मैं उसकी यखनी यूज़ करूँगी अच्छा हर किसी का अपना स्टाइल होता है बनाने का मैं बड़े डिफरेंट स्टाइल से और बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ उसको बना रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो चीज़ मैं बनाती हूँ बच्चों को भी वही मैं खिलाती हूँ तो ये फिर ये कि इसको मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा तो यहाँ पे मैंने यखनी ऐड की है आलमोस्ट मेरे पास वन कप इसकी यखनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है और इसमें थोड़ा सा मैं हाफ़ कप के करीब एक्स्ट्रा पानी डालूंगी अच्छा इसके बाद यहाँ पे इसमें ना चिली सॉस डलता है चिली सॉस इसमें टू टेबल स्पून डालता है लेकिन मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है ताकि मैं टोमेटो कैचअप और इसको एक साथ रिप्लेस कर सकूँ क्योंकि चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा होता है स्पाइसिस में तेज़ होता है तो इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही तो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस डाल दिया था आलमोस्ट थ्री टू फोर टेबल स्पून के करीब और अच्छी तरह से मैंने इसको कर दिया था मिक्स उसके बाद ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको पकाया है मजीद और इसमें मैं ये जो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके मैंने डाल रखा हुआ था वन टेबल स्पून में ऑलमोस्ट वन टेबल स्पून पानी डाल के मैंने उसको मिक्स करके रखा था वो मैंने इस पर ऐड कर दिया है अब इसको थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है तो ये आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छा सा ये गाढ़ा हो जाएगा आलमोस्ट टू टू थ्री मिनट्स में तो आप अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसको रख लें और उसके बाद अपने फ्लेम को ऑफ कर ले लें तो मैं क्योंकि इसको ग्रेवी के साथ बना रही हूँ तो इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी मैंने इसके रखी है कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद उसको मैं यहाँ पे टू टू थ्री मिनट्स के लिए पकाऊंगी और फिर इसकी मैं फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए इस तरह से डाल के थोड़ी देर के रख लिया था अब इसमें देखिए बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो जो बबल्स बनते हैं ना यही टाइम है कि जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इसके बाद आपने इसको पकाना भी ये देखिए इसको मैंने पकाया ये है। और ये बिल्कुल जो है ना अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवीज़ की बन गई है और यह जी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाया है और बहुत कम मसालों के साथ भी आप हेल्थी सा खाना खा सकते हैं ज़रूरी नहीं कि आपके भर भर के मसाले उसमें डालें तो ये खाना यहाँ पे बिल्कुल रेडी था अच्छा बेसिकली ये जो व्लॉग है ये दो दिन का व्लॉग है तो ये मैं लेके आई थी सेकेंड डे जब मैं मार्ट में गई थी जब आ, कि मैं बात कर रही थी अभी लास्ट इसी व्लॉग में तो ये मैं बास्केट लेके आई थी बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो मैंने मुझे ये चाहिए थी सैलड रखने के लिए सैलड मस्ट होता है हमारे घर में और ये कि अगर मैं जो फूड का बास्केट होती है उसमें फ्रिज में अगर मैं उसमें रख दूँ तो फिर वेजिटेबल्स रखने की जगह नहीं बचती है और वो ऊपर नीचे मिलती नहीं है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं इनको अलग से ऑर्गनाइज और, करके रख दूँगी फ्रिज में तो इसका ना मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल फ्रिज के साथ मैच हो गई है मेरी और दूसरा यही कि इसका साइज़ बड़ा अच्छा है इसमें आप काफ़ी सारे जो है ना सैलड आइटम्स रख सकते हैं तो बस यहाँ पे सैलड आई थी कोई सब्ज़ियाँ वगैरह आई थी तो सैलड को मैं इसी के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ बास्केट को पहले मैंने वॉश करके रखा हुआ था तो ये बच्चे अच्छे से ड्राई हो चुकी है और उसके बाद मैंने लेमन्स रखे हुए हैं मैंने जो फ्रिज का आ, बास्केट था फ़ूड बास्केट उसको मैंने वॉश किया हुआ था उसके अंदर मैंने दोबारा से वेजिटेबल्स रखनी थी तो मैंने मैं हमेशा उसको पहले वॉश करके साफ सुथरा कर लेती हूँ तो इसलिए मैंने ये लेमन्स निकाली है। ये लेमन्स लाई थी अपनी अम्मी के घर से जब मैं गई थी लास्ट टाइम तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं तो अब मैंने सोचा क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ऑन एंड ऑफ गला ख़राब होना शुरू हो गया सबका तो लेमन्स उस तरह से रूटीन में यूज़ नहीं होते हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको ना मैं आज इसका सारा निकाल के रस निकाल के ना फ्रीज़ कर लूँगी तो काफ़ी टाइम चल जाता है आप मेडिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं और आप सेलड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं डिफ्रोस uh, करके तो इसलिए मैं इसको रख दूँगी अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी लेमन्स को मैंने निकाला हुआ इसको मैंने स्क्वीज़ करने जब भी मुझे टाइम मिलेगा दिन में कोई भी टाइम होगा तो मैं इसको रख लूँगी और इसका फिर मैंने फ्रीज कर लेना है और आज मैंने बनाया था चाट बेसिकली ये के दो दिन का व्लॉग है तो डे मैंने चाट बनाई थी और बच्चों के लिए मैंने कीमा भून के रखा हुआ था उसको मैंने बस उसको ना कर लिया डिफ्रोस्ट कर लिया और फिर मैंने उनको दे दिया था चाट मेरी बड़ी फेवरेट है और मैं दही के लाई थी तो फिर मैंने सोचा कि चाट बना ही लेनी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी, भी वेजिटेबल्स रखी हुई हैं मैंने इनको ना मैं जो मेरी फ्रिज में पहले से रखी हुई थी गाजर वो मैंने निकाल दिया ताकि इनको मैं पहले से यूज़ कर लूँ और उसके बाद मैं नई वाली यूज़ करूँगी क्योंकि गाजर ना मोस्टली मुझे सैलड में पसंद नहीं है तो मेरे हस्बैंड तो घर में होते नहीं हैं तो ये कि ये गाजर जो है ना वो बड़ी बड़ी इस तरह से हो जाती है और मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाने थे वो भी मैंने नहीं बना सकी क्योंकि सब के इसी तरह से गला ख़राब था तो फिर राइस बने नहीं तो ये ना थोड़ी सी आ, हो गई थी पुरानी तो इसलिए मैंने निकाल इनको निकाला है कि पहले इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ अब यहाँ पे बस मैंने लेमन्स का जो है ना ये स्क्वीज़ करना शुरू किया था और उसके बाद मैंने उसको रख दिया ताकि अच्छे से वो सारा रिंस हो जाए और उसके बाद मैं ना इसको फ्रीज़ कर लूँगी वो मैं आपके साथ शो करती हूँ अभी तो ये मैं लाई थी जी आ, जो बॉक्स मसाला बॉक्स में लाई थी आ, अपना मार्ट की जो न्यू ब्रांच से और मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका तो बड़ा अच्छा साइज़ है इसका और सबसे जो बेसिक जो एडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत अच्छा सा जो है ना इसका ढक्कन बंद हो जाता है तो बेसिकली मैं इसी चीज़ के लिए लाई थी तो जो पुराने वाला बॉक्स है उसमें से मैं सारे मसाले निकाल रही हूँ तो फ़िलहाल के लिए मैं पुराने वाले बॉक्स को ना अच्छे से वॉश करके रख दूँगी इसके सारे बॉक्सेस को नेक्स्ट अगर कोई मसाला वग़ैरह रखने के लिए चाहिए वो या ड्राई फ्रूट्स के लिए अगर चाहिए हुआ तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी लेकिन फिलहाल के लिए मैंने उसको वॉश करके रख दिया था बस और ये सारे मसाले मैं उसमें ट्रांसफ़र करी थी इसमें ना नए वाले बॉक्स में एक बॉक्स भी ज़्यादा है और स्पेस ऑलमोस्ट इतनी ही है एक बॉक्स ज़्यादा है और उसके अलावा दरमिया दरमियान में भी स्पेस है मतलब आप इसमें एक्स्ट्रा स्पून भी इसके अंदर रख सकते हैं और मैं बेसिकली मुझे अच्छा लगता है लकड़ी का जो चम्मच है वो यूज़ करना तो लकड़ी के चम्मच भी आप इसके अंदर रख सकते हैं इतना मतलब इसका साइज़ है तो अब यहाँ इस बस मैंने ये सारे मसाले इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिए थे उसके बाद मैंने गरम मसाला निकाला और गरम मसाला भी मैंने न्यू डाल दिया क्योंकि पहले वाले मसाले में ना सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बच गई थी और बस मैंने अपने वाले में ना सारी ज़ीरा वग़ैरह ज़्यादा डाल दिए क्योंकि मोस्टली वही खानों में ज़्यादा जाता है तो बस मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है इस वाले मसाला बॉक्स को और ये जो था ना ये दो दिन का व लॉग था ऑलमोस्ट मेरा ये वीकेंड का व लॉग है लास्ट वीकेंड का ये व्लॉग है और वीकेंड पे मेरी इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि एक्स्ट्रा जितने भी काम होते हैं घर के वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि वीक डेज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है एक्स्ट्रा कोई काम करने का तो वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं तो पता ही नहीं चलता है टाइम का तो अभी यहाँ पे ये मेरे ये भी मैं लेके आई थी अभी लास्ट जो मैं गई थी अपना मार्ट में तो ये मेरे पास जो होल रेड चिलीज़ हैं वो मेरे पास नहीं थी कभी तड़का वगैरह लगाने के लिए चाहिए होती हैं तो ये भी मैं वहाँ से लेके आई थी तो ये सारा जो है ना मैंने इसको मसाला बॉक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया कुछ चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी पहले मैंने सोचा कि मैं इनको रीफ़िल कर लेती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब ये ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं इनको रिफ़िल करूँगी तब तक कुछ और चीज़ें भी होंगी तो मैं सब एक साथ रिफ़िलिंग कर लूँगी तो ये मसाला बॉक्स जो है ना वो मेरा रेडी हो चुका है और उसके बाद बस मैंने इसको रख दिया था देखें ये बड़े वाला चम्मच भी इसमें आसानी से सेट हो तो गया है और इसका ढक्कन बड़े अच्छे से बंद हो जाता है ये बिल्कुल लूज़ नहीं होता तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सेट करके रख लिया यहाँ पे देखिए ये लेमन सारे मैंने स्क्वीज़ करके रखे हैं ये देखिए सारे इसके ऊपर इसके बीज रखे हुए हैं और ये देखिए इस तरह से जो इसके अंदर भी चले गए वो भी बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं तो अब मैं पहले इसको सारे को डाल लूँगी आप इसको छान के भी डाल सकते हैं लेकिन छानने में क्या होता है कि आपका एक्स्ट्रा जो है ना काफ़ी सारा जो है ना लेमन जूस उसके साथ लग जाएगा तो इसलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ अगर सीट साथ चले भी जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है इसका कोई टेस्ट वग़ैरह ख़राब नहीं होता तो बस मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और ये रात का ही टाइम था जब मैं ये मैंने इसको फ्रीज किया था रात के टाइम तक ये सारा ये मेरा काम खत्म हुआ था उसके बाद मैंने बच्चों को खाना छाना खिलाया सारे काउंटर्स वगैरह क्लीन किए हैं किचन शचन साफ़ करके अब ये नाइट टाइम था और यहाँ पे ये टाइम था जी ग्रीन टी का मेरे और ये मैं लेके आई थी ग्रीन टी लिप्टन की और ये बेरीज़ फ्लेवर के साथ ही थोड़ा सा हल्का सा बेरीज़ का फ्लेवर इन्होंने डाला हुआ है बीच में और मुझे ये ना लिप्टन के टी बैग्स बहुत पसंद है सिर्फ एक रीज़न इसकी पसंद होने की ये भी एक तो ही कन्वीनियंट होते हैं दूसरा ये कि इसमें ना हर किसी के साथ डिफरेंट जो है ना आपको कोटेशन दी हुई होती हैं तो ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है अब देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है अडॉप्ट ईटिंग हेल्दी ईटिंग ऑप्शनस और हर किसी में डिफरेंट दिया होता है आलमोस्ट ये ट्वेंटी का शायद है ये पैक है और हर किसी के ऊपर ना डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं आप इसके ऊपर एक डिफरेंट लिखा हुआ है कि आपने स्मॉल पोर्शन यूज़ करने हैं तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ पर बस ग्रीन ठीक का टाइम था मेरे और यही भी करूँगी मैं अपने वीला को भी एंड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग